बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास नाइन्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पूरा देखें और इसमें से देखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर AD रेशो DC इक्वल 3:2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ये फिगर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये AD है जिसका रेशो 3 है और DC है इसका क्या है 2। तो इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 40 cm², ठीक है, यहाँ ABC का एरिया गिवन है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ठीक है, ये BDC ये जो इधर वाला पार्ट देख रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया में फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस फिगर को मैंने पहले से बना के रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो गिवन है वो है AD रेशो DC, ठीक है, इक्वल 3:2 यहाँ पर ये गिवन। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट AD इक्वल 3x मान लेते हैं। ये जो पहले, तो पहले AD का होगा और बाद में जो DC लेकर DC का बाद में होगा, तो DC को मान लेते हैं 2x, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और साथ ही इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों एरिया फाइंड आउट करने के लिए। देखियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो हीरोन के फॉर्मूले से निकालते हैं जब हमें 3 साइड मालूम हो। अगर नहीं मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अब इसमें बेस तो, इसमें हाइट नहीं है, तो हाइट हम अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया इस तरीके से, तो इसको मैं BE मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रा BE परपेंडिकुलर AC, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने AC पर एक परपेंडिकुलर लिया है। अब देखो यहाँ पर अब इसमें हमने लेट कर लिया AD इक्वल 3x और DC इक्वल 2x, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 और बेस इंटू हाइट, ये होगा, ठीक है। बट गिवन एरिया यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बट गिवन एरिया क्या है बच्चों, 40 cm² है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 40 cm² आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देते हैं फॉर्मूले को, तो 1/2 और बेस क्या है यहाँ पर बच्चों, AC है, तो मैं लिख देता हूँ AC इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें BE, लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब आगे इसको कर लेते हैं, अब 1/2, अब इसमें AC में बच्चों लगती हैं, देखो AD + DC, ठीक है। अब इसमें AC तो दी हुई नहीं है ना कितनी है, तो इसमें ये तो दिया हुआ है कि AD + DC इनका रेशो दिया हुआ जो हमने लेट किया है, और यहाँ पर BE 40, तो 1/2। अब यहाँ पर बच्चों AD तो है अपनी क्या है 3x और प्लस 2x इस तरीके से है, और BE तो हमें फाइंड आउट करनी है पहले, ये देखिए। अब 1/2 और इनको ऐड किया तो 5x आ गया, और इंटू यहाँ पर BE है और इक्वल 40, ठीक है। हमें BE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BE को इधर लिखेंगे, और BE के साथ ये देखो 2 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, और 5x इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसको कर देते, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 2 जा 16, 16/x आ गया बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर, BE की लेंथ आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अब मैं आपको एक बार फिर फिगर दिखाता हूँ बच्चों, देखिए यह होता है एरिया ऑफ BDC, ये निकालना है। तो ये जो BE जो हाइट ली है ना ABC की, वही यही हाइट है ट्रायंगल BDC की भी मानी जाएगी, ठीक है, यही हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 बेस क्या है बच्चों इसमें DC है, और हाइट क्या है BE, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/2 और DC अपनी क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ DC, देखो क्या है DC क्या है 2x, तो हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे यहाँ पर 2x, और BE आपके सामने आई गई है ये, तो 16/x इस तरीके से, ठीक है। तो x से x डिवाइड हो जाता है, 2 से 2, और यहाँ पर बच गया 16,
तो बच्चों ये आ गया एरिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, करने से पहले उसको रीड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम करने वाले हैं। लिखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 72 मीटर इफ द साइड आर इन द रेशो 3:4:5, ठीक है, फाइंड द एरिया। अब ये क्या साइड किसकी है, ट्रायंगल की है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं बच्चों और इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। पहले तो जो साइड है वो रेशो में गिवन है, हम इसको रेशो से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बच्चों 3x, 4x एंड 5x, ये मान लेते हैं, ठीक है। और साथ इसमें क्या गिवन है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्वल टू पेरीमीटर बच्चों 72, ठीक है, मीटर। यहाँ पर तो एरिया में फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें साइड मालूम होगी। आइए हम पेरीमीटर निकाल, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है बच्चों, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड कर दिया जाए, ये मैंने ऐड कर दिया, तो इससे क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है। बट पेरीमीटर गिवन कितना है, 72, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। आइए ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12x आ गया बच्चों। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 72 बाई 12, ठीक है, 12 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, और तो 12 सिक्जा होता है बच्चों 72, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर फर्स्ट साइड लिख देते हैं हम, फर्स्ट साइड ऑफ ये ट्रायंगल मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो फर्स्ट साइड क्या थी, 3x थी बच्चों यहाँ पर, यानी कि 3 × 6, 6 × 3 = 18 मीटर आ गई, ठीक है। सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल, तो सेकेंड क्या थी बच्चों, 4x, यानी कि 4 × 6, 6 × 4 = 24 मीटर आ गई, ठीक है बच्चों। और थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो थर्ड साइड है बच्चों 5x, यानी कि 5 × 6, 6 × 5 = 30, ये आ गई, ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब हम हीरोन के फॉर्मूले से क्या कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। आइए निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। तो वो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो आइए, ए क्या हमारा 18 + 24 + 30, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइए ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 0 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 आ गया, और 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। या तो इनको ऐड कर लिए या साथ में गिवन है उनको कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 36, ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये लिखना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब एस क्या है, 36 है, और यहाँ पर s माइनस ए है, तो s माइनस यानी 36 माइनस 18 और 36 माइनस 24 यहाँ पर और 36 माइनस 30, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, फैक्टर कर लेने हैं। अब 36 का तो 6 × 6 होता है, पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 36 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 18 आएगा, और 36 में से 24 माइनस करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गया 12 आ गया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। आइए अब और फैक्टर कर लेते हैं छोटे छोटे ताकि पेयर बन जाए। तो 6 का तो बना हुआ है, इसको तो रहने देते हैं, यूँ कहूँ 18 यानी 3 × 3, 3 × 9, 2 × 18, ठीक है, यहाँ पर पेयर बन गया। 12 के भी कर लेते हैं,
सिक्स टू जो 12, 6 × 2, ठीक है बच्चों, तो ये 2 का बन गया और ये 6 का भी बन गया। अब हमें क्या करना है, इन में से एक एक नंबर को बाहर निकाल लेना है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, बाहर निकाल रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पेयर में से एक 6 आ गया बाहर, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया बाहर और एक और 6 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 और यहाँ पे 3 × 2 = 6, यानी कि कहने का मतलब है 6 × 6 × 6 आ गया, यानी 6 का क्यूब आ गया, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, ठीक है, मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर ये इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया आ गया 216 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।